बेंगलुरु ड्रग्स मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी, संजना गलरानी, रविशंकर, राहुल नियास और लोम पेपर सांबा की हिरासत को 14 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने रागिनी के घर छापा मारकर तलाशी ली थी। अब खबर है कि ड्रग्स पैडलिंग के आरोप में गिरफ्तार हुई रागिनी ने अपने यूरिन में पानी मिलाकर ड्रग्स टेस्ट में धोखा देने की कोशिश की। रिपोर्ट्स की माने तो रागिनी का टेस्ट गुरुवार को बेंगलुरु के केजी जर्नल हॉस्पिटल में हुआ था। यूरिन टेस्ट के जरिए ये पता किया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में व्यक्ति ने कौन सा ड्रग्स लिया है, लेकिन पानी मिलाने के बाद परिणाम ठीक नहीं आते। सीबीआई के अधिकारियों ने रागिनी के व्यवहार को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा जाता है कि डॉक्टर्स ने सैंपल में पानी की पहचान कर ली और बाद में रागिनी का दोबारा सैंपल लिया गया। सीसीबी के अधिकारियों ने ये श्योर किया कि रागिनी फिर से सैंपल में पानी ना मिला दे। सूत्रों ने बताया कि रागिनी ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए अपने मोबाइल फोन से सारे मैसेजेस हटा दिए, लेकिन सीसीबी अधिकारी आंकड़ा हासिल करने में सफल रहे। सीसीबी के अधिकारियों ने दावा किया है कि अभी जांच पूरी होनी बाकी है। अधिकारियों को दो आरोपियों रविशंकर और प्रशांत रांका के बीच चैट रिकॉर्ड्स मिले हैं। द्विवेदी को पिछले सप्ताह हिरासत में लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने पिछले गुरुवार को हाई प्रोफाइल पार्टियों के आयोजक वीरेन खन्ना के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर उनके घर की तलाशी ली थी। बता दें कि द्विवेदी का जन्म बेंगलुरु में हुआ था, जबकि उनके परिवार का ताल्लुक हरियाणा के रेवाड़ी से है। वो 2009 में वीरा मदाकरी फिल्म से अभिनय की दुनिया में आई थी। वहीं उन्हें कैंपे गौड़ा, रागिनी, आईपीएस, बंगारी और शिवा जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि मिली। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।